नमस्कार मित्रों, सहारा से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि सहारा के हेड ऑफिस में कोलकाता से आई ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और कई दस्तावेजों को खंगालने के साथ दो डायरेक्टरों से पूछताछ की बात निकल कर सामने आ रही है। जब हम बात कर रहे हैं तो चीज़ें जारी हैं। हम राजधानी लखनऊ से ही हैं और सहारा के ठिकानों पर पिछले कुछ वक्तों से छापेमारी की और प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा में लगातार मामले उठते गए हैं, उस तरीके से कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। ईडी की टीम ने लखनऊ के कपूरथला स्थित सहारा ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी की है। ईडी की पश्चिम बंगाल यूनिट की ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इसी साल 4 जुलाई को भी छापेमारी हुई थी, कई चीज़ें जब्त की गई थी। डायरेक्टरों से घंटों पूछताछ की जा रही है। इस दौरान दफ्तर में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वो कई कारण होते हैं। सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में 25,000 करोड़ रुपए जमा कराए जाने का दावा किया था। इस सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में है। कंपनी ने यह राशि चिटफंड स्कीम के जरिए निवेशकों से जुटाने का दावा किया था। अब ईडी ने दावों की जांच परख चीज़ें करके चीज़ें सामने लाने की कोशिश करेगी। ईडी ने इसे साल जुलाई में जो चीज़ें की थी उसमें कई चीज़ों को जब्त किया गया था। ईडी को करीब 700 संदिग्ध दस्तावेज उस समय प्रेस रिलीज में बताया गया था। साथ ही पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क को भी ईडी अपने कब्जे में लेती और उसकी इतने दिन जाँच करने के बाद फिर से छापेमारी। खैर किस वजह से वो अलग बात, 3 करोड़ रुपये नकद की भी चीज़ें आई थी। बहरहाल सहारा के निवेशक अभी भी हैरान और परेशान है। अमित शाह द्वारा, देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लाया गया पोर्टल भी फेल होता साबित होता है क्योंकि करोड़ों निवेशकों ने रिफंड के लिए आवेदन किया। डिफिशेंसी दुनियादारी के चक्कर में आज भी मुश्किल से 5% लोगों का भी शायद नहीं आया है। आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या कारण है, उनकी जाँच होनी चाहिए। और मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है, लोकतंत्र के चारों खंभों के साथ पीड़ित को उसका पैसा मिलना चाहिए। जो भी प्रक्रियाएं हैं कानूनी चीज़ें, उसे कानून के दायरे में एक निश्चित समय में पूरी करके लोगों को जिनका पैसा कागज चीज़ें हैं उन्हें वापस करने की प्रक्रिया को और तीव्र किए जाने की जरूरत है। बाकी लोकसभा विधानसभा और जनता में जानकारी है, बातें उठती रही हैं और हम पब्लिक के बीच से आपके लिए ऐसी ही जानकारियां लाते रहे हैं। कितने पीड़ितों की रिपोर्ट और संबंधित रिपोर्ट इससे पहले SFO यानी गंभीर कपट संस्थान द्वारा भी दिल्ली में जाँच के लिए बुलाया गया और तमाम चीज़ें और यंत्र मंत्र से लेकर तमाम आंदोलन दुनियादारी, बाकी YouTube पे इधर उधर बहस दुनियादारी होती है, वो बहस से अलग तथ्यपूर्ण रिपोर्ट हम आपके लिए कल भी लाते थे, आज भी लाते हैं और कल भी लाते रहेंगे।